हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्मित एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट की आई हुई लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में। यहाँ पे इस बार बहुत टाइप की वैकेंसीज आउट की गई हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें आपको 100% रिस्पॉन्स मिलने वाला है, 100% आपकी इसमें सिलेक्शन होने वाली है और एज अ फ्रेशर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी है। सो कौन कौन सी वैकेंसीज आउट की गई हैं, कौन कौन से कैंडिडेट आप में से इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं, हर चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना है ताकि किसी टाइप का कोई डाउट आपको ना रहे, क्योंकि वैकेंसीज इस बार 4 टाइप की आउट हुई है और सारी की सारी वैकेंसीज एज अ फ्रेशर आप अप्लाई कर सकती हैं और डायरेक्टली आप HR से यहाँ पर कॉन्टैक्ट करने वाले हो, डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्स इसमें मिलने वाला है। हर चीज़ को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी बहुत सारी डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आउट की जा चुकी हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन, अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.glory.com लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ विजिट करके इन्फो लिख अप्लाई कर सकती हैं जिस भी वैकेंसीज के लिए आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा बात करेंगे फ्लिपकार्ट की आई हुई लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। फ्लिपकार्ट की जो वैकेंसीज आउट की गई है ना, इसमें आपकी डायरेक्टली हायरिंग होने वाली है, कोई फ़ी पे नहीं करनी है। चाहे आप रिजर्व कैंडिडेट है चाहे आप अनरिजर्व कैंडिडेट है, दोनों ही इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्टली आपकी इसमें सिलेक्शन होने वाली है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, 4 टाइप की वैकेंसीज आउट हुई है, इसमें हर एक कोई कैंडिडेट आप में से अप्लाई करने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एज लिमिट की बात करें, कोई एज क्राइटेरिया तो नहीं है, मिनिमम आपकी एज 18+ होनी चाहिए, मैक्सिमम एज पर नॉर्म्स अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सैलरी की बात करूँ, वो भी अलग अलग पोस्ट वाइज वेरी करता है, मैक्सिमम की भी एज अ फ्रेशर मैं बात करूँ अराउंड आपकी 35,000 इन हैंड यहाँ सैलरी रहने वाली है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया, डायरेक्टली आप HR से कनेक्ट करने वाले हैं, डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्सिस में मिलने वाला है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज इसमें आउट की गई हैं और सैलरी के साथ साथ और भी बेनिफिट आपको यहाँ मिलने वाले हैं। हर एक पोस्ट के लिए अलग प्रोसीजर रहने वाला है अप्लाई करने का, हर एक पोस्ट का मैं आपको 1 by 1 स्क्रीन पर चलकर भी बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले अगर पहली पोस्ट की हम बात करें कौन सी पोजीशन के लिए ये आउट हुई है, तो ये सीधा फ्लिपकार्ट के लिए वैकेंसीज है, प्रीमियम ई कॉमर्स के लिए वैकेंसीज आउट हुई है। यहाँ पे सीधा आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, इन्होंने क्लियरली यहाँ मेंशन किया हुआ है 0 to 2 years मेंशन किया है, मतलब आप फ्रेशर हैं, अप्लाई आप कर सकते हैं। सो इसमें अगर हम यहाँ पे वर्क की बात करें तो इसमें क्लाइंट या कस्टमर की जो भी क्वेरीज है उसको आपको रिजॉल्व करना होगा, हर चीज़ की ट्रेनिंग आपको कंपनी की तरफ से दी जाने वाली है। इसके अलावा इस पोस्ट के लिए आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इन वैकेंसीज के लिए आपकी डे शिफ्ट प्योरली रहने वाली है तो आप इसके लिए ज़रूर से अप्लाई करना, और जो आपको कस्टमर की क्वेरीज रिजॉल्व करनी होगी वो आपकी ईमेल एंड कॉल्स पे ही रहने वाली हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हर एक पोस्ट के लिए आपको कंप्लीट ट्रेनिंग कंपनी की तरफ से दी जाने वाली है और ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी आपको यहाँ सैलरी पे की जाने वाली है। तो अप्लाई इन वैकेंसीज के लिए आपको ज़रूर से कर लेना है। कोई भी क्लाइंट की या कस्टमर की प्रॉब्लम है, बस उसको आपको अंडरस्टैंड करके उनको आपको रेजोल्यूशन देना है, सिंपल सा आपका ये वर्क रहने वाला है। सो इस वाली पोस्ट के लिए सीधा इन्होंने HR का कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी मेंशन की हुई है, आप ईमेल आईडी पर सीधा इनको रिज्यूमे भी सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनके साथ सीधा कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, WhatsApp पर सीधा इनको रिज्यूमे भी सेंड कर सकते हैं सेम प्रोफाइल के लिए। आपको आगे स्क्रीन पर चलकर मैं बताऊंगी भी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, किस तरीके से आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए मैं आज बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आ चुकी हूँ जो कि री लेवल की तरफ से आ चुकी है, जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमिक काउंसलिंग सेशन के लिए साइन अप कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं। आपको बेस्ट इंडस्ट्रीज के प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे, उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको करियर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। फ्री री लेवल टेस्ट आप यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं, जहाँ पे कंपनीज की बात करूँ तो कीका है, स्विगी है, शाओमी है एंड 800+ कंपनीज है जो इसमें इन्वॉल्व है, तो आपकी भी इस कंपनी में जॉब लग सकती है। इसके अलावा टेस्ट जो आपका रहने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए
रहने वाला है। इसके अलावा जो इनके कोर्सेज है वो पेड रहने वाले हैं, और मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या इनके कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल है। बिल्कुल है, इनके कोर्सेज हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में तो है ही। तो वहाँ से आप कोर्सेज को परचेज करके अपनी तैयारी करके साइनअप कर सकते हैं टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, कंपनी सामने से आपको अप्रोच करेंगी और आपकी बहुत बढ़िया कंपनी में जॉब लग जाती है, जिसमें 44 लाख पर एनम तक का पैकेज भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, विजिट करके आप जल्दी से इसके लिए साइनअप कर लेना। चलिए बात करें हम लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में। उसके बाद सेकंड अगर पोस्ट की बात करें वो आउट की गई है कस्टमर सपोर्ट की प्रोफाइल के लिए। नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें भी आपका कस्टमर सपोर्ट का ही वर्क रहने वाला है। कस्टमर की कोई भी क्वेरी है, ठीक है, कोई भी उनकी क्वेश्चनिंग है, उसको बस आपको अंडरस्टैंड करना है और उनको आपको बस रेजोल्यूशन देना है। सेम प्रोफाइल है, बस नाम ही अलग अलग है, वर्क आपका इसमें सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। ये सारी के सारी जो वैकेंसीज आउट हुई है ना, इसमें आप में से हर कोई अप्लाई कर सकते हैं। एज अ फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई यहाँ पे ज़्यादा स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा इस पोस्ट के लिए अगर हम बात करें, ये वाली पोस्ट आपकी वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब की रहने वाली है। सेकेंड वाली जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें आपकी डे शिफ्ट भी हो सकती है, नाइट भी हो सकती है। सारा प्रोसीजर आपको HR की तरफ से क्लियर किया ही जाएगा जो जो भी रहने वाला है। स्किल्स की अगर बात करें, आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इसमें होने चाहिए, गुड एनालिटिकल स्किल्स आप में होने चाहिए। अगर है आप इसके लिए ज़रूर से अप्लाई करना। तो ये तो है सेकंड जॉब प्रोफाइल। अब बात कर रहे हैं थर्ड, कौन सी जॉब आउट हुई है। थर्ड प्रोफाइल की बात करें तो एग्जीक्यूटिव की पोजीशन के लिए आउट हुई है। अगेन यहाँ पर एज अ फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही। तो यहाँ पर लोकेशन भी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं अप्लाई कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम अलग है, ऑफिस अलग है, दोनों के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं। और यहाँ पर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, फी कोई नहीं है, डायरेक्टली आपको इसके लिए अप्लाई कर लेना होगा। और ये जो एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल आपकी रहने वाली है, इसमें ग्राफिक्स से रिलेटेड आपका वर्क रहने वाला है। डेली बेसिस का आपका इसमें वर्क रहेगा, ग्राफिक वर्क। कंप्लीट ट्रेनिंग इसके लिए भी आपको प्रोवाइड की जाने वाली है। कोई यहाँ पे ज़्यादा स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि एज अ फ्रेशर हायर कर रहे हैं तो फ्रेशर से क्या तो स्किल्स ये मांग लेंगे। तो यहाँ पर भी आप इसके लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ एंड लास्ट पोस्ट के बारे में। ये आउट हुई है मैनेजर डिजिटल मार्केटिंग के लिए। ये वाली जो प्रोफाइल है ना, इसके लिए इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 2 से 4 ईयर्स का। तो इसके लिए अगर कोई आप में से एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से हैं। जो जो चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, किस किस फील्ड का एक्सपीरियंस चलेगा, वो यहाँ आप रीड कर सकते हैं। अब पहली जो 3 हमने पोस्ट डिस्कस की है वो एज अ फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो अब ये है। उसके बाद आपको बताऊंगी कैसे आपकी इसमें सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होने वाली है। तो फ्लिपकार्ट का जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर क्लिक करना, नया इंटरफेस ओपन होगा। लास्ट में स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, हमने 4 तरह की प्रोफाइल डिस्कस की है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा लिंक 1, 2, 3 एंड 4। सपोज दैट आपने लिंक 1 पे क्लिक किया, आपने फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपने फर्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ये आपके सामने वेबसाइट इनकी ओपन हो जाएगी, यहाँ पे इन्होंने पोस्ट ये पब्लिश की हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। पैकेज आपको बहुत बढ़िया यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, 1.80 लाख पर एनम से 2.20 लाख पर एनम तक का इस वाली पोस्ट के लिए आपको पैकेज जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। एज अ फ्रेशर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, गुड टाइपिंग स्पीड आपकी इसमें होनी चाहिए। इसके अलावा वर्क हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारी की सारी प्रोफाइल के लिए, सिर्फ आपको कस्टमर की क्वेरीज को रिजॉल्व करना होगा। इस वाली पोस्ट के लिए देखिए ये वाले कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, सीधा आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको अपना रिज्यूमे सेंड कर देना है। कौन सी प्रोफाइल के लिए, जो मैंने आपको सबसे पहली बताई है प्रीमियम ई कॉमर्स के लिए, ये तो है लिंक 1। अब जैसे आपने लिंक 2 पे क्लिक किया, कस्टमर सपोर्ट की आपके सामने प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इसका प्रोसीजर अलग है अप्लाई करने का, जो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था। तो इसके लिए यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन इन्होंने सीधा यहाँ मेंशन की हुई है, इसमें सीधा HR से कॉन्टैक्ट नहीं करना है। इसमें आपको यहाँ पे राइट एंड साइड में ऑप्शन मिल जाते हैं रजिस्टर टू अप्लाई, लॉगिन टू अप्लाई की। सबसे पहले यहाँ क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर लेना है, उसके बाद लॉगिन करके अप्लाई कर लेना है। अब थर्ड प्रोफाइल की बात करें, इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है सेकंड वाली पोस्ट का, जैसे एग्जीक्यूटिव का, कस्टमर सपोर्ट का जैसे है, और वही एग्जीक्यूटिव का प्रोसीजर है। यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करके अप्लाई करना है। फोर्थ एंड लास्ट पोस्ट के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की है। इसके लिए एक्सपीरियंस कैंडिडेट वैसे रिक्वायर्ड है, आप रीड कर लेना। अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगेन आपको रजिस्टर टू अप्लाई पे क्लिक करना है, उसके बाद लॉगिन करके आप अप्लाई वैकेंसीज के लिए कर सकते हैं। जहाँ पे आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड मेंशन करके लॉगिन हो जाना है, अपनी डिटेल्स अब फिल करनी
होगी सारी की सारी, आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन क्या है, कब आपने पास आउट किया एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करके लेटेस्ट रिज्यूम भी अपलोड करके सिंपली आपको सबमिट कर देना होगा। तो पहली वाली जो प्रोफाइल मैंने आपको बताई है वो तो सीधा आप एचआर को ही रिज्यूम सेंड कर सकते हैं अपना, आप चाहे वेबसाइट से अप्लाई भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी यहाँ पे इन्होंने सीधा एचआर का ही कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करना जिससे आपके 100% चांसेस हो जाते हैं शॉर्ट लिस्टिंग होने के। उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ प्रोफाइल के लिए जो मैंने आपको बताया, आपको पहले रजिस्टर करना है, लॉग इन करना है, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको बस कुछ डेज वेट करनी है, 10 to 15 days आप मान के चलो, अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टेड होती है आपको कॉल आने वाली है एचआर की तरफ से रिगार्डिंग इंटरव्यू। अब अगर वर्क फ्रॉम होम है तो आपकी ऑफ कोर्स इसमें ओवर द कॉल इंटरव्यू होने वाली है, अगर वर्क फ्रॉम ऑफिस है आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपकी इसमें सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होने वाली है। बाकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जल्दी से जाकर अप्लाई करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना बिकॉज वो भी एलिजिबल होने वाले हैं इन वैकेंसीज के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।